कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेताओं के साथ बड़ी संख्या में लोगों को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराते हुए कहा है कि दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के कुप्रशासन से लोग परेशान आ चुके हैं और दोनों पार्टियों ने चुनाव में जो दिल्ली वासियों से वायदे किए उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। दिल्ली वासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी और भाजपा के लोगों को कांग्रेस का पटकार पहनाकर उनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रथम बार मतदाता बने युवकों को भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कराई। तिमारपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेताओं के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस का हाथ थामा। शामिल होने वालों में आम आदमी पार्टी के रानी खान, यश कटारिया, फातिमा बेगम, सन्नी बसीन, भाजपा के मनीष कुमार, अंकुर चौधरी, रोहित तिवारी और शगुन मलिक तथा बड़ी संख्या में नए युवा मतदाताओं सहित आप और भाजपा के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के कुप्रशासन से लोग परेशान आ चुके हैं और दोनों पार्टियों ने चुनावों में जो दिल्ली वासियों से वायदे किए उनमें से एक भी पूरा नहीं किया गया। दिल्ली वासी अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले इन नेताओं ने कहा कि हम कांग्रेस की नीति, आदर्शों और विचारधारा सहित कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व और नेतृत्व से प्रेरणा लेकर शामिल हो रहे हैं और कर्मठता के साथ कांग्रेस पार्टी में रहकर अपने क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।